हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिकंदर सिंह है। तो मैं चंडीगढ़ बेस्ड फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। तो 98 से लेके अब तक मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ बीएफए के लिए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँ आप लोगों को। पहले तो ये पता होना चाहिए कि बीएफए क्या है। बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, 4 ईयर डिग्री है। तो इसके कॉलेज चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बड़ौदा में, मुंबई जे कॉलेज ऑफ आर्ट, कुरुक्षेत्र में, वाराणसी और पूरे इंडिया में बहुत जगह है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस का टेस्ट होता है, तो उसके लिए बच्चे जो प्रेपरेशन करते हैं, मैं उसके लिए तैयारी करवाता हूँ। तो पहले मैं ये बता दूँ कि बीएफए में चंडीगढ़ में 4 स्ट्रीम्स हैं। उसमें से पहला है अप्लाइड आर्ट, दूसरा पेंटिंग, तीसरा ग्राफिक्स और चौथा है स्कल्पचर। इसी तरह से ये चारों दिल्ली में भी है, तो वहाँ थोड़े से और भी एक्स्ट्रा है, जैसे विजुअल आर्ट और कई सारे बीएफए में और कोर्सेज भी हैं। तो ये 4 साल की डिग्री, फर्स्ट ईयर फाउंडेशन होता है, 3 साल फिर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं बच्चे। तो चंडीगढ़ में जैसे यूटी कोटा है, जिसमें 60% यूटी का है रिजर्वेशन और 40% ऑल इंडिया की है सीट्स। तो ऑलमोस्ट चंडीगढ़ की जो अभी तक हमारे पास जो अभी तक जो इंफॉर्मेशन है पुरानी, जहाँ से आज तक की, तो यहाँ तक हमें ये पता है कि 60 सीट्स होती हैं चंडीगढ़ आर्ट्स कॉलेज में। तो उसमें से 60% जो निकालते हैं कोटा, तो 36 सीट्स होती हैं यूटी पूल की और 24 होती हैं पूरे ऑल इंडिया की। अब इसमें बात करते हैं कि 36 सीट्स जो यूटी की है, उसमें 9 सीट्स रिजर्व कोटा की होती हैं, सो कुछ रिजर्व चली जाती हैं, तो 27 ओपन रह जाती है। उसी तरह जनरल में भी 7 सीट चली जाती है रिजर्व कोटा की, तो 17 सीट्स बचती हैं ओपन में, तो 7 सीट रिजर्व है। ये तो हमारा एक कॉलेज का जो पैटर्न है। दिल्ली में भी कुछ इस तरह से ही, कुछ दिल्ली का कोटा है, बाकी ऑल इंडिया का है, जे में भी ऐसे ही है। तो सब कॉलेजेस का अलग अलग सिस्टम है। तो मैं जो प्रेपरेशन करवाता हूँ वो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट और कुरुक्षेत्र के लिए तैयार करवाता हूँ। अब इसके लिए जो प्रेपरेशन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एग्जाम में आता है कॉम्पोजिशन, मेमोरी ड्राइंग, और दूसरा आता है स्टिल लाइफ, जो सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं लाइट एंड शेड के साथ, जो आपको स्टडी करना है। तीसरा थ्योरी पार्ट होता है। तो चंडीगढ़ में 65 नंबर का कॉम्पोजिशन, 65 नंबर का स्टिल लाइफ और 20 नंबर का थ्योरी पार्ट होता है। तो इस तरह से दिल्ली में भी 60 नंबर की कॉम्पोजिशन, 60 नंबर की स्टिल लाइफ और 30 नंबर की थ्योरी होती है शायद। तो कुरुक्षेत्र में सिर्फ स्टिल लाइफ का टेस्ट होता है और थ्योरी का, वहाँ कॉम्पोजिशन का नहीं होता। अब बात करते हैं चार जो चंडीगढ़ की 4 स्ट्रीम्स है, अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, ग्राफिक्स और स्कल्पचर। जैसे मैंने बताया कि 36 सीट्स में से 27 सीट्स बचती हैं ओपन। तो ओपन में आप लगा लीजिए कि लगभग 7 सीट्स हर एक स्ट्रीम में जाती हैं। तो जनरल पूल की भी ऐसे ही 4 सीट्स लगभग सब स्ट्रीम में जाती हैं। तो अगर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है कि आपको अप्लाइड में जाना है, पेंटिंग में जाना है, ग्राफिक्स में जाना है, स्कल्पचर में जाना है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है टॉप रैंक के लिए। तो जो आर्ट्स कॉलेज की एंट्रेंस होती है, तो उसमें +2 की परसेंटेज भी मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप किस स्ट्रीम से आए हैं, ये जरूर मैटर करता है कि आपकी +2 की परसेंटेज कितनी है। तो 40% +2 को ऐड करते हैं, बाकी जो 60% है टेस्ट का मिला के ये मेरिट तैयार करते हैं। तो कोशिश करना कि आप अपनी +2 की परसेंटेज भी अच्छे से गेन करें, ये भी एक जरूरी पार्ट है। और इसके अलावा
आपको ड्राइंग स्किल भी अपनी पॉलिश करनी है। तो अब आते हैं एक बार सब्जेक्ट के ऊपर, अप्लाइड। तो अप्लाइड में होता है जैसे हम कोई एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं, डिज़ाइन हाउस वगैरह होते हैं, तो जितना भी कमर्शियल अप्रोच वाली चीज़ें हैं सारी ही अप्लाइड आर्ट में होती हैं, जैसे डिज़ाइन कुछ करना है कुछ भी, तो उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स भी यूज़ होता है। तो आजकल तो डिजिटल का ज़माना है तो वो भी यूज़ होता है। वैसे पोस्टर मेकिंग वगैरह जो हैंडमेड वो भी करवाते हैं आर्ट्स कॉलेज में, तो उसमें एयर ब्रशिंग वगैरह करवाते हैं, हैंडमेड पोस्टर पोस्टर कलर से बनवाते हैं, तो वो शुरुआत में वो करवाते हैं सारा, उसके बाद कंप्यूटर पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो अब आते हैं पेंटिंग। पेंटिंग के बारे में सबको पता है, पेंटिंग जैसे वाटर कलर, ऑयल कलर, क्रैलिक, हर मीडियम में फ्रीलांस आर्टिस्ट करते हैं। तो उसके बाद आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स पूरा ही प्रिंट मेकिंग है, तो पुरानी टेक्निक लिथो, लिनो, वुड कट और सेरीग्राफी, कई सारे तरीके हैं कोलोग्राफी प्रिंट मेकिंग के, तो उसके बारे में गाइडेंस है। और आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर बिल्कुल पूरी तरह से मूर्ति कला है। स्कल्पचर जैसे स्टोन में, मार्बल में और क्ले में, अलग अलग तरह के जो मीडियम है उसमें सिखाया जाता है। ये तो अलग अलग डिटेल्स मैंने आपको मेंशन की है। तो करियर वाइज भी हर फील्ड का अलग करियर है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट्स हैं, तो अलग अलग फील्ड में न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट डायरेक्शन, बहुत सारे स्कोप्स हैं इसमें आगे जाने के। तो उसमें आपका बीएफए डिग्री काउंट होती है, तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं वो जितना इतना मैटर नहीं करता, आप कितने स्किल्ड हैं ये बहुत मैटर करता है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, ये भी एक फील्ड है। तो प्राइवेट एजेंसीज भी, एड एजेंसी वगैरह बहुत हायर करती हैं बीएफए स्टूडेंट्स को, फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी जगह। इवन मैं देखता हूँ कि हमारे कुछ सीनियर्स पीजीआई में भी है, तो वहाँ भी पोस्ट है। तो काफ़ी जगह पे आजकल हर एक चीज़ डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड है, अगर देखा जाए तो बहुत वाइड वास्ट फील्ड है ये, तो इसका फ्यूचर भी अच्छा है, पर उसके लिए आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। एक और चीज़, बीएफए के बाद एमएफए भी होती है, वो चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है, आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बीए फाइन आर्ट करके हम लोग एमएफए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एमएफए करने के लिए भी आपको बीएफए होना जरूरी है। थैंक यू सो मच।